السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، آج کی اس گفتگو میں मौजूदा हालात में कोरोना वायरस को लेकर जो पॉलिटिक्स और सियासत खेली जा रही है उस पर एक मुख्तसर सा जायज़ा बल्कि बहुत मुख्तसर से कुछ मालूजात हैं कि जो पेश करने हैं। सबसे पहले मरहले में कोरोना वायरस को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो पॉलिटिक्स, वो सियासत की जो इंटरनेशनल लेवल पे है, और एक वो पॉलिटिक्स या वो सियासत जो हमारी इंटरनल है, इंडियन है या दाखली सियासत है। चूंकि इस मुख्तसर से वक्त में दोनों उनवान से या दोनों जहेज से बात नहीं हो सकती है, लिहाजा हम सिर्फ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हमारी इंडिया के अंदर की है, दाखली सियासत है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और न ये कि सिर्फ गुफ्तगू, सिर्फ बस पॉइंट्स पेश करेंगे ताकि लोगों के जहनों में एक मतवा वो चीजें आ जाए और ताजा हो जाए। सबको मालूम है कि कोरोना को लेके बहुत बड़े पैमाने पे पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत खेली जा रही है, और इस मुख्तसर से वक्त में वो सारी गुफ्तगू नहीं हो सकती है। अगर आप शुरू में देखें जहां से कोरोना वायरस का आगाज हुआ है, चूंकि इंटरनल पॉलिटिक्स है लिहाजा वो बातें इसमें नहीं आएंगी कि किस बुनियाद पे है, कैसे है, कहां से ये पैदा हुआ, कहां से आया, ऐसी कोई चीज इसमें नहीं आएगी क्योंकि उसका ताल्लुक इंडिया से बाहर का है। हाँ, इंडिया के अंदर का एक मसला है वो ये कि कोरोना वायरस इंडिया के अंदर आया कैसे है। तो खूब उसका भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हमारी जो हुकूमत है और मौजूदा जो अफराद है कि जो हुकूमत में है, उन्होंने नहीं किया या इतना समझ नहीं सके, दोनों सूरत में उनकी नाहिली साबित होती है। कि जब पहले नया नया केस सामने आया उसके बाद भी जो है वो नमस्ते ट्रंप और इस तरह के जो हालात हुए हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद नहीं हुए या उस पर वो जिस तरीके से सावधानी वहां पे बरतनी चाहिए थी, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी, शायद ये कि नहीं हो पाई, या जो भी हालात रहे हों कि बहुत भरपूर अंदाज में पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, कि जिससे ये लगता है कि शायद शुरू में इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजन था। और बहुत बड़ी चीज जो सामने खुल के आ रही है वो, और जो सब ने देखा, वो नमस्ते ट्रंप। जैसे कि हमने अर्ज किया कि सिर्फ बानवा ने फेहरिस्त इन बातों को पेश करेंगे, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे ही ये तय हो गया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस आ गया है और फैल रहा है, अब जो मसला आया लॉकडाउन का, खूब इससे पहले किसी गुफ्तगू में हमने ये बात अर्ज की थी कि हमारे पीएम ने डॉक्टर्स की मीटिंग या ऐसे अफराद की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इससे पहले की मीटिंग्स होती और कुछ होता, यकबारगी ऐलान कर दिया लॉकडाउन का। लिहाजा लोगों के जहन में ऐसा आ रहा है कि लॉकडाउन भी शायद WHO की हेल्प के लिए है। बहरहाल इसके नतीजे में वो हेल्प आई है, अब वो जो भी इसके पीछे अगराज व मकासिद रहे हों। लेकिन ये कि लॉकडाउन भी बहुत अफरा तफरी में हुआ कि जिसकी वजह से मुल्क में अक्सरियत को मुश्किल पेश आई, नहीं ये कि सिर्फ वो लोग की जो हिजरत करके अपने वतन वापस जाना चाहते थे, नहीं, जो लोग अपने घरों में भी थे उनको एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई, सामान कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो बहुत सारी चीजें, और बहुत से लोगों को इक्तिसादी या इकोनॉमिकल मुश्किल सामने आई। जैसे ये हालात पेश आए और लॉकडाउन की तरफ मुल्क बढ़ रहा था लॉकडाउन, उस वक्त के मुल्क के हालात अगर याद हो तो इंडिया में बहुत बड़े और पैमाने पे भरपूर अंदाज में NRC CA वगैरह के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, और पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट था, और न ये किसी मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा था, मुल्क के, हिंदुस्तान के हर मजहब के अफराद जो इंसाफ पसंद थे,
जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत थी, मुल्क के निजाम और सिस्टम से मोहब्बत थी, सब इस प्रोटेस्ट में शिरकत ले रहे थे और दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट मजबूत होता जा रहा था, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत बहुत परेशान थी और मुख्तलिफ बहाने थे किस तरीके से इसको बंद कराया जाए। बदनाम कराने के लिए जो है वो बहुत सारे प्रोपेगंडे किए गए, उसके लिए बहुत सी जगहों पे पुलिस ने जुल्म किया, ना ने क्या क्या हुआ, वो सारी दास्तान आप लोगों के जहन में होगी। कोरोना वायरस हुकूमत को एक बहुत अच्छा सहारा मिल गया या बहाना मिल गया कि जिसको लेके पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जो था वो बंद हो गया। दूसरी तरफ से ये प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो बहुत पुरअम तरीके से बंद हुआ है। इसका मतलब ये कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ जज्बाती नहीं थे, नहीं कि सिर्फ जज्बाती नहीं थे, वो एक मुल्क के फलाह बहबूद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि हमारे बाहर आने से मैं मुल्क का फायदा है तो वो बाहर आके बैठ गए। अब जब उन्होंने देखा कि हमारे बाहर बैठे रहने से मुल्क या हमारे हमवतन अफराद के लिए नुकसान है, हमारा घर में वापस जाना फायदेमंद है, तो वो घर में वापस चले गए। ये खुद इस बात की दलील है कि उन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया, उन्होंने वतन से मोहब्बत का सबूत दिया। तो बहरहाल इसको इस्तेमाल किया गया बड़े अच्छे तरीके से और पूरे मुल्क से प्रोटेस्ट करने वालों को हटा दिया गया, प्रोटेस्ट सब खत्म हो गए और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर जो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई थी वो खत्म हो गई। अगली चीज जो पॉलिटिकल पॉइंट इसमें दिखता है वो ये कि एक मुल्क में आपने देखा होगा कि खास करके जब से ये बीजेपी हुकूमत है उस वक्त से एक तासुब का माहौल पैदा किया जा रहा है, मजहबी तासुब का, बिलखसूस हिंदू मुस्लिम का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। नहीं ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क था और अभी भी अक्सरियत ऐसी है कि जो पुरअमन और पुरसकून तरीके से रहना चाहती है, कोई तासुब नहीं है और कोई भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल वो टीवी पे बास चैनल्स के डिबेट ये सारी चीजें, जैसे ही ये कोरोना वायरस का मसला पेश आया, बाज ऐसे बहानों को निकाल के एक तासुब की फिजा पैदा की गई जिसमें बाज चैनल्स का बहुत बड़ा योगदान, बहुत उन्होंने इसमें खयानत से काम लिया है और उनकी खयानत की वजह से एक फिजा पैदा हो गई थी, जबकि उनको भी मालूम है और सबको मालूम है कि यह गलत है। बिलखसूस अगर आपको याद हो तो वो जमातियों वाला मसला, अगर उन्होंने गलती की, हमने उस वक्त भी जब इस मसले को छेड़ा था तो यही कहा था कि अगर उन्होंने गलती की है तो हम भी मजम्मत करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने जवाब दिए, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन उसका जो ये तरीका था वो नहीं था कि जहां पे मुसलमान और जमाती इस तरीके से बदनाम किए गए कि हत्ता बाज हॉस्पिटल में जब मुसलमान किसी बीमारी को लेके जाता था तो हॉस्पिटल वाले कहते तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, भागो यहां से, भागो भागो, जबकि जाहिर है बीमारी है, एक वबा है जो फैल रही है, वो ऐसा नहीं कि वो मजहब देख के आती है। हतमन आपने सुना होगा कि एक चैनल की जो इत्तेफाकन ज्यादा निस्बतन खयानत से काम लेता है, उस चैनल में बहुत से अफराद को हो गया। खूब उस वक्त किसी हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम लोग यहां पे कोरोना फैला रहे हो, भागो यहां से। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बहुत से लोगों को मिला, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं कहा कि तुम लोग यहां पे कोरोना फैला रहे हो, भागो यहां से। क्यों ये सिर्फ एक नजर और एक एतबार से ये बात सिर्फ एक फिरके के लिए और एक कौम के लिए मखसूस कर दी गई। ये भी एक पॉलिटिकल मसला है कि जहां पे वो जो सियासत चल रही थी इन्होंने अपनी उस सियासत को बहुत मजबूत किया। एक और चीज जो इसमें देखने में आई और बहुत ही घिनौनी चीज है, दिल्ली में बिलखसूस और बस दूसरी जगहों पे भी वो अफराद की जो इन प्रोटेस्ट में सीए वगैरह के प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे, एक्टिव इस मानी में कि उन्होंने मसलन मुल्क के कानून को नहीं तोड़ा था, कानून के अंदर थे वो, या अगर तोड़ा तो जो उनका जुल्म था उस एतबार से नहीं, उससे ज्यादा उनके साथ जो है वो जुल्म हुआ और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मसलन एक आदमी की जो प्रोटेस्ट करने वालों को खाना खिला रहा था, या ऐसी खातून की जो स्पीच दे रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में उसको कैद किया गया, माने कितने कानूनों को तोड़ा गया और माने ऐसे कैसे कितने बेगुनाहों को कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो ये लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने या वहां के जो भी बासर अफराद थे और जिनका भी इसमें हाथ था, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और इस तरीके से एक बहुत गंदी सियासत खेली कि जो यहां पे फिर उसके बाद इस मसले को लेके जो मदद के हालात थे, मदद पे सियासत खेली गई।
अलमुख्तसर गवर्नमेंट हमारी सरकार इस मसले को संभाल नहीं पा रही है, कभी टॉर्च जलवाती है कभी थाली बजवाती है कि जिससे कोई भी समझदार और पढ़ा लिखा आदमी मुतमईन नहीं हो सकता है।